हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अविष्का किचन। आज हम बनाएंगे ब्रेड की कचौड़ी, तो आइए चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी बनती है और बहुत ही टेस्टी। एक बार आप इसे ज़रूर बना के ट्राई करें। आप बाकी कचौड़ियाँ भूल जाएंगे, बच्चे हों या बड़े, सभी बहुत मन से खाएंगे। इसे एक बार आप ज़रूर ट्राई करें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। गैस पर मैं कढ़ाई कर रख दी हूँ। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून के करीब तेल डालेंगे। देखिए तेल गर्म हो गया है। अब इसमें मूंगफली डाल देंगे। मूंगफली आप अपने हिसाब से ले सकते हैं और इसे हम फ्राई कर लेंगे। मूंगफली को फ्राई कर लेंगे और देखिए मूंगफली फ्राई हो गई है। अब हम इसमें 1 कटी हुई प्याज डाल देंगे। अब हम 1 कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको तीखा खाना पसंद हो। और इसे अब हम फ्राई कर लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद अब हम इसमें लहसुन को मैंने कूट लिया है, 10 से 15 लहसुन की कलियां ली हैं मैं, इसे भी फ्राई कर लेंगे। अच्छे से सारी चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें 1/2 टीस्पून अजवाइन डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1/2 टीस्पून इसमें लाल मिर्च डालूँगी। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून मैं इसमें गर्म मसाला डाल लूँगी। और ये देखिए नमक स्वाद अनुसार आप डाल लीजिए। मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून डाली हूँ। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला के इसे भी भून लेंगे। और अब हम यहाँ पे बॉयल मैश किया हुआ 4 आलू ले लिया है मैंने। आलू की क्वांटिटी आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितने आप कचौड़ियाँ बना रहे हैं उस हिसाब से आप लेंगे आलू। यहाँ पे मैं 4 बड़े आलू को बॉयल करके मैश कर ली हूँ। और ये देखिए अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से भून के इसको मिक्स करके तैयार करेंगे। और अब हम इसमें 1/2 टीस्पून के करीब चाट मसाला डालूंगी। चाट मसाला डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें कटी हुई धनिया डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। हमारी स्टफिंग बन के तैयार हो गई है। चलिए ये नेक्स्ट प्रोसेस पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं 4 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर हूँ, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका लिक्विड पेस्ट बना के तैयार करेंगे। देखिए पेस्ट बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ पे मैं 4 ब्रेड के बड़े स्लाइसेस फ्रेश ले ली हूँ। आपका ब्रेड एकदम फ्रेश होना चाहिए, नहीं तो कचौड़ियाँ फट जाएंगी। और ये देखिए मैं ग्लास ले ली हूँ। आपके पास जो भी हो, गोल, सर्कल, शार्प चीज़ जिससे ये ब्रेड कट जाए, इससे बहुत ईजिली कट जा रही है। आपके पास कोई कटोरी या किसी भी चीज़ का कैप हो, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए सारी ब्रेड को हम ऐसे ही कट कर लेंगे। देखिए ये सारी ब्रेड कट के तैयार हो गई हैं। और जो हम स्टफिंग तैयार किए थे अब वो भी ठंडी हो गई है। अब हम ब्रेड स्लाइस के ऊपर अब हम थोड़ी थोड़ी स्टफिंग रख के और इसको अच्छे से फैला लेंगे। ये देखिए ऐसे ही थोड़ा थोड़ा ही भरना है। और अब हम ये जो कॉर्न का पेस्ट बना के तैयार किए थे लिक्विड, अब हम इसमें ये ब्रेड के जो 1 स्लाइस को हम डिप करेंगे। डिप करने के बाद अब हम इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे ऐसे हाथ से दबा के, देखिए ऐसे। और ये जो दूसरा स्लाइस है अब हम इसके ऊपर रख के इसको चारों तरफ से ऐसे दबा के चिपका लेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, चारों साइड से हमें अच्छे से दबा के इसको चिपकाना है ऐसे। देखिए ऐसे ही अब हम सारी कचौड़ियों को स्टफ़ करके तैयार कर लेंगे। बाकी जितने भी कचौड़ियाँ बची हैं सेम प्रोसेस से हम सभी को बना के तैयार कर लेंगे। और देखिए उसी सेम प्रोसेस से इसको भी बना के मैं तैयार कर रही हूँ, देखिए। और देखिए ये भी कचौड़ी बन के तैयार हो गई है। ऐसे ही हम सारी कचौड़ियों को बना के तैयार कर लेंगे। देखिए ये सारी कचौड़ियाँ मैं बना के तैयार कर ली हूँ। एक बार इसे आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी। और ये देखिए मैं गैस पे एक कढ़ाई में तेल गरम कर ली हूँ। इसमें हम चेक करने के लिए ये थोड़े से ब्रेड के स्लाइस डालूँगे। और देखिए तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें ये ब्रेड की कचौड़ियाँ डाल के इसको फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसे तवे पे सेक भी सकते हैं, मैं इसे डीप फ्राई कर रही हूँ। डीप फ्राई से ये बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी बनती है। गैस का फ्लेम मीडियम पे ही रख के इसको फ्राई करेंगे, नहीं तो कचौड़ियाँ जल जाएंगी। अब कचौड़ियाँ एक साइड तो फ्राई हो गई हैं, अब हम इसे दूसरी साइड पलट के भी फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए कचौड़ियाँ फ्राई हो गई हैं। अब इन्हें निकाल के हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। और अगर ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। Thank you for watching.